हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने इन्फिनिक्स GT10 Pro एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है ना, तो इसके सॉल्यूशन के लिए करना क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन को रिस्टार्ट करना है, ठीक है। फोन को रिस्टार्ट करने के लिए फोन के साइड वाला पावर बटन उंगली से आपको दबा के रखना है, तो आपकी स्क्रीन के सामने ये वाला पेज आएगा। इस पेज में आपको ना रिस्टार्ट का ये ऑप्शन टैप करना है। इसमें आप से आपका मोबाइल फोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से, ठीक है। अब दोस्तों, यहां पर आपको अगला प्रोसेस करना ही है कि देखिए, आपके मोबाइल फोन का जो स्टेटस बार होता है, इसके अंदर अगर आपका ब्लूटूथ किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होगा ना, तो इससे आपके फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती है। आपको अपने ब्लूटूथ को बंद रखना है। और अगर आपके मोबाइल फोन का एयरप्लेन मोड अगर चालू है, तो इसे भी आपको बंद रखना है, ठीक है। और अगर आपका मोबाइल फोन साइलेंट मोड पर एक्टिवेट तो फोन को साइलेंट मोड से हटा के रखना है, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको तीन सेटिंग बताई ना, इन तीनों सेटिंग में से अगर कोई भी सेटिंग चालू रहेगी, तो इससे आपके फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती है। तो इन सेटिंग्स को आपको बंद रखना है। इन सेटिंग्स को आपको तब चालू करना है जब आप इनका यूज करेंगे, ठीक है। अदरवाइज बाकी समय इन्हें बंद करके रखना है। अब देखिए दोस्तों, आपको अगला प्रोसेस करने क्या है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन का ना सॉफ्टवेयर एक बार चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे फोन के सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं ना, तो हमारे फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में भी कुछ कमियां आने लग जाती है। तो आपके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट है या नहीं, आपको चेक कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले आपको मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है, ठीक है। सेटिंग पेज के अंदर आपको नीचे की साइड ये सिस्टम पर टैप करना है। इसके अंदर आपको ये सिस्टम अपडेट पर टैप करना है। इसके अंदर आपको ये ऑनलाइन अपडेट पर टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे कंटिन्यू का ऑप्शन टैप करना है। तो आपको इस वाले पेज पे अगर कोई भी अपडेट का बटन दिखाई देता है, तो आपको उसे अपडेट पे टैप करके अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, जिससे आपके फोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों, अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन का जो स्पीकर होता है, उसे आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है कि मोबाइल फोन के स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल मट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण स्पीकर के साउंड में प्रॉब्लम आती है। तो मोबाइल फोन के स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है, किसी ब्रश या कॉटन या जैसे भी करके हल्के हाथों से साफ करना है। ध्यान रखना है, ज्यादा ताकत या दबाव नहीं लगाना है स्पीकर में, नहीं तो स्पीकर के जो अंदर के पार्टिकल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं और फोन का स्पीकर बिल्कुल ही खराब हो सकता है। तो आपको हल्के हाथों से साफ करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर कोई भी काम नहीं करते हैं ना, तब आपको फोन को रीसेट कर देना है। अदरवाइज फोन को रीसेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फोन को रीसेट करने के लिए आपको फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज में आपको ना सबसे नीचे की साइड सिस्टम पर टैप करना है। इसके अंदर आपको ये रीसेट ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर सबसे नीचे आपको इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पर टैप करना है। इससे आपका मोबाइल फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को है ना रीसेट करने से पहले दो बातों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है ना, सारा का सारा डेटा आप किसी दूसरे मोबाइल फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद ही आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो दोस्तों, मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस अगर आप यूज करेंगे, तो इससे आपके फोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो आपको करना क्या है। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर होगा ना, सर्विस सेंटर चले जाना और अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत होगी, जिसकी वजह से आपकी स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन बताए हैं ना, वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। अगर मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर की किसी कमी के वजह से आपके फोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम आ रही, तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज आपको अपने मोबाइल फोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, ठीक है।